हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हो गया है नेक्स्ट डे, तो मैं कल इतना कुछ खास शूट नहीं कर पाई, मतलब इतना कुछ खास था ही नहीं तो इसके लिए शूट नहीं की। ऐसे ही बैठ गया और मुझे बहुत ज़्यादा कंटाल आ रहा था शूट वीट करने का इसके लिए, तो आज है बहुत सारा काम। कल कुछ काम ही नहीं था इसलिए कुछ शूट ही नहीं हुआ। आज बहुत ज़्यादा काम है। आज मैंने लगाई हूँ मशीन, दो दिन हो गया तो मुझे मशीन लगाना पड़ता है, और मेरे कपड़े हो गए निचोड़ के, और मैंने इतने सारे बर्तन धो ली। सारा मैं गैस के इधर ही सूखने के लिए रख देती हूँ ऐसे ही। अब ये सूखने के बाद में मैं इसको रैक में लगा दूँगी। तो गाइस सारी साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी थी, मेरे बाकी थे सिर्फ कबाट में के जो कपड़े थे वो ये करने थे, अच्छे से घड़ी करके रखने थे। तो मेरे घर की हालत कुछ ऐसी है अभी, रुको एक सेकेंड में बताती हूँ। इतने सारे कपड़े निकले ले, बहुत ज़्यादा कपड़े, जो कबाट में के भी ये सारे कपड़े घड़ी करने के है, और जो इनके हैं वो भी होंगे सब, ये वाली बकेट। तो मैं जो भी मिलेगा ना इसमें डाल दूँगी, सवारिस के कपड़े हो गए वो सारे कपड़े इसमें डाल दूँगी, नहीं तो ना फिर वो क्या करते पता है, निकाल के फेंक देते, सारा कबर्ड खाली कर देते इसके लिए। तो मैं उनको हाथ में उसमें वो खोलने ही नहीं देती, जो भी नए कपड़े हैं सारे मेरे कबट में ही रहते हैं ना इसके लिए। ये जो ये बकेट मैं रख देती हूँ, जब से ली हूँ ना तो मेरा आधा टेंशन ख़त्म हो गया, वरना रोज़ मुझे डेली कबट को ऐसा अच्छे से घड़ी करके रखना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नए नए कपड़े हैं वो सारे एक बैग में रखती मैं, और जो रेगुलर यूजिंग के हैं वो इस बकेट में, और जो मेरे कपड़े हैं वो कबर्ड में, और इनका अलग है, सबका अलग अलग रखा हुआ है। और ना हमारे यहाँ पे कल ऐसी बरसात हुई, बाप रे बाप, आप बोलेंगे कि कैसा, मतलब इतना मौसम, और सुबह में इतना अच्छा लग रहा था ना ठंडा, क्या आया बारिश, ये देखो है स्कूल जाता है ना, रोज स्कूल जाता है मेरा पापा मोना को छोड़ने के लिए, जो भी बहुत ज्यादा पहनती नहीं ना ये सब ड्रेस सारे निकालने वाले, जो नहीं पहनती वो सारे निकाल। इधर तक शूज पहन के आया, शूज पहन के आए यहाँ तक पागल बच्चा। फिर बाद में मुझे रमजान में मिलेगा नहीं ना, वैसे भी मेरे 15 दिन हो गए तो कबाट जमाई नहीं थी। क्या है बेटा, खिचड़ी है ये, और लेके आ जाएंगे शॉर्टकट में हो जाता है ये, ऐसी बकेट लाने का, बच्चों लोग के कपड़े सब इसमें रख देने, छोटे छोटे बच्चे जब मिक्स भी रखेंगे तो वो निकालते फिर उसको फटाफट ऐसा भर के रख देते बच्चे अपने हाथ से। खिचड़ी बहुत मस्त बन गई, खाना भी चालू। मैं सोची फटाफट काम करके मैं जाऊंगी पार्लर, मेरे आईब्रो बहुत बढ़ गए, बाद में रमजान में बनाना नहीं होएगा ना इसके लिए, फिर ईद के टाइम ही बनाऊंगी। तो गाइज मेरे सारे कपड़े हो गए घड़ी करके, और अब मैंने रख दी उन्हें अपने अपनी जगह पे, और जो मैंने जो जूने कपड़े निकाली थी ना तो वो मैंने ना यहाँ पर इसमें ये थैली में भर के रख दी हूँ, ये इतना थैली भर के निकले बस। मैं मतलब मैं हर 15 दिन में निकाल देती हूँ, ऐसा हमेशा नहीं निकालती, तो मेरे इतने इतने कपड़े निकल जाते, ज़्यादा नहीं। तो गाइज काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कपड़े फिनिश नहीं हो रहे, फिर भी इतना बचा है, रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। ये जो धोने के सब वाइट वाले कपड़े जितने भी है वो, और इतना सारा गंदा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको हटा के। देखो गाइज मेरा सारा घर क्लीन हो चुका है सब, थोड़े से कपड़े सुखाने के बाकी है, और इतने मशीन में भी कपड़े बाकी ही है, अभी काम भी चल रहा है। और ये देखो मेरे बर्तन, इतने सारे बर्तन हैं, मैं अभी इसको
रैक में लगाती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। देखो मेरे सारे बर्तन हो गए लगा के, ये सब क्लीन हो गया। ये मैंने लगाई हूँ कपड़े निचोड़ने के लिए बाकी के बचे हुए। अभी मिलती हूँ मैं इसको सुखा के। देखो गाइज इतने सारे कपड़े थे आज धोने के। अच्छा है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन है, नहीं तो मेरी क्या हालत होती थी। देखो ये सब पहले मैं ना सब हाथ से धोती थी, इतने सारे कपड़े दिख रहा है क्या? ये देखो इतने कपड़े थे, बहुत ज़्यादा। अभी फिर भी अभी जगह नहीं है ना, इसलिए मेरे सारे मॉप्स है जिससे मैं पोछा वीछे लगाती हूँ। सारे मॉप है, किचन भी साफ़ हो गया और यहाँ वॉशिंग मशीन लगी थी ना, इधर इतना पानी गिर गया, अभी इसको साफ़ करती हूँ फटाक से। देखो मेरी मॉपिंग भी हो गई, बहुत ज़्यादा पानी गिर गया था, इधर वॉशिंग मशीन अपनी जगह पर लगा दी हूँ और मेरा सारा काम हो गया है डन, सब काम फ्रेश हो गया। तो गाइस देखो मेरा सारा काम, कितने कपड़े लगाने के लिए मेरे ना दो दिन में इतने कपड़े निकलते हैं ना पूछो मत। और अभी भी मेरा काम पूरा फिनिश नहीं हुआ है, रमजान की साफ सफाई थोड़ा 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 करके मैंने कर ली। अभी 10 मिनट में सूख जाएंगे सारे कपड़े तो मैं निकाल के रख दूंगी। और बाहर भी जाना है शॉपिंग करने, फ्रिज के ऊपर का बहुत ज्यादा गंदगी है फ्रिज के ऊपर, तो बाप रे बाप। परसों मैं जिस दिन साफ सफाई की थी उसी दिन मैंने सब साफ की थी, लेकिन आज फिर से वैसे हो गया। एक बार देख लो आप, देखो मेरे फ्रिज की कुछ हालत ऐसी है। अभी मैं इसको क्लीन करती हूँ। देखो हो गया ना क्लीन सब, मैंने सारा फ्रिज का हटा दी। मुझे फ्रिज नया लेना है तो चालू नहीं है ना, इसके लिए फ्रिज लेना है नया मुझे। कितना भी काम करो मैं, मेरा काम फिनिश नहीं हो रहा है। तो गाइस देखो सारा काम आज तो फिनिश हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे क्या क्या बाकी है, बस अभी जो बिस्तर है वो धोना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हो गया। सारी रमजान की क्लीनिंग हो गई, अभी बस बाकी है शॉपिंग। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर शॉपिंग का ही होगा, तो मेरे व्लॉग में आप बने रहे। इसके बाद से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर जो भी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।